दिस इज अहमद मंजूर, आई एम अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ब्लॉक इंस्टीट्यूट और एएनजी टेक्नोलॉजीज। अच्छा, आज की वीडियो का ना एक मकसद है, कल माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त सेमिनार समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई डिजिटल हेल्थ के ऊपर, जिसके अंदर मैंने लोगों को थोड़ा सा फैंटेसी की दुनिया दिखाई, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया मेटावर्स कैसे हेल्थ केयर में आएगा, ब्लॉकचेन का हेल्थ केयर में क्या काम है, आईओटी कैसे काम करेगी, एआई का क्या रोल होगा उस पूरी चीज में, एक पूरी वो जो ट्राइंगल में नॉर्मल लोगों को समझाता हूं तो वो उस पर बात की मैंने, ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करेगा, तो हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की इसके ऊपर और आई होप कि सबने उसको एंजॉय भी किया। लेकिन एक छोटी सी चीज वो मुझे थोड़ी सी समझ में आती है जो मैं जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और जिसके हवाले से बात करना चाह रहा हूं, दैट इज बेसिकली कि हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं ना तो हेल्थ केयर के बहुत सारे पोर्शन हैं, एक एलोपैथी है, होम्योपैथी है, हिकमत है, देन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, सब कुछ है। तो मेरे एक्चुअली सुनने में कुछ बात आई कि जी एलोपैथी वाले होम्योपैथिक को नहीं ऐसा समझते, होम्योपैथिक वाले एलोपैथी वाले को ऐसा नहीं समझते, ठीक है, हिकमत वालों को कुछ और इशू है, एलोपैथी को समथिंग, जो भी सिलसिला चलता। लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन, एज माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस चीज से मुझे आराम मिल रहा। तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ यानी जैसे अगर एलोपैथी से किसी को आराम नहीं मिल रहा है, वो होम्योपैथिक की तरफ बंदे को भेज देता है और होम्योपैथिक वाले से आराम नहीं मिल रहा वो एलोपैथी की तरफ चला जाता है और उधर से वो हिकमत में चला जाता है और समथिंग कुछ ऐसी चीजें। मेरे सामने ये चीज ऐसे आई कि मैंने ना एक, क्योंकि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं आप सबको पता, तो ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पे एक्चुअली मैंने ना एक मेडिसिन का नाम, मेडिसिन को नहीं कहना चाहिए, एक न्यूट्रिशन का नाम लिया एक डॉक्टर के सामने, ठीक है, और शी वॉज लाइक, वो मुझे ऐसे देख रही थी कि लाइक कि जी ये क्या चीज, किस चीज का नाम आप ले रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज थी कि अच्छा मैं तो एक ऐसी चीज का नाम ले रहा हूं जो बड़ी नॉर्मल है। तो मेरा ख्याल है जैसे मैं नॉर्मली सबसे बात करता हूं ना कि आप सबको सब चीजों का थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्पेशलाइज होना है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी की जब बात करता हूं कि अगर हेल्थ केयर के लोगों को टेक्नोलॉजी का नहीं पता तो आज वो सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर उनको जूम करना नहीं आता, उनको टेलीमेडिसिन का नहीं पता तो वो आज सर्वाइव नहीं कर सकते, सेम एज द एजुकेशन। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको एक दूसरे के साथ साथ मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ साथ चीजों को देखना चाहिए ताकि सब लोगों का भला हो और आप लोगों को लोग जानेंगे, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और इसके ऊपर इंशाल्लाह और डिटेल मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर हम इन चीजों को डिस्कस किया करेंगे, टेक्नोलॉजी किस तरीके से टेक ओवर कर रही है हेल्थ केयर के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड जजाकुमुल्लाह खैर।